2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथ। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। जदयू की ओर से पिछले दिनों भीम संसद का आयोजन किया गया था जिसमें जन सैलाब भी उमड़ा हुआ था और उसी के बदले में दलित वोट बैंकों को साधने के लिए आज बीजेपी की ओर से अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है और उसमें सम्राट चौधरी जो है जमकर दहाड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड को अशुभ भी कहा है। सबसे पहले आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भीषण ठंड में और भीषण बरसात में पिछले 4 घंटे से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूमते रहे और जब कुछ नहीं मिला तो आपने अपना ही होडिंग उखाड़ कर अपने माथे पर ले लिया। मैं सबको सैल्यूट करता हूं साथियों। ये बारिश भी आपको नहीं रोक पाएगी। हम जरूर आश्वस्त करते हैं, आदरणीय बहन बेबी मौर्या जी यहाँ आज आई हैं, हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और सब जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आज पार्टी को मजबूत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2040 की 40 सीट 2024 में जीतने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, अभी ये पार्टी पीछे में इनके एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमको लगता है इनके बगल में आके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के लिए परसा हो रहा है, अशुभ हो गया है लोगों के लिए, इसलिए शुभ कार्य करना है साथियों। और 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। लगातार नीतीश कुमार जी कहते हैं, जब महिला साथियों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी कर दिया, लेकिन साथियों जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुना जो कि जमकर दहाड़ते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारा जो कार्यस्थल है उसके बगल में ही जदयू का ऑफिस है और जनता दल यूनाइटेड जो है वो अशुभ है क्योंकि बारिश हो रही है। साथ ही काफी कड़े लहजे में जो है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो जनता दल यूनाइटेड है वो शुभ है। देखिए, पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया था और वहीं आज जो है बीजेपी के द्वारा अंबेडकर समागम किया गया है दलित वोट बैंकों को साधने के लिए। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।